आनंद कुमार हुए ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल ऑल इंडिया न्यूज 24x7। हमीरपुर के राज स्वामी ब्रह्मानंद जी के 38वें परिनिर्वाण दिवस पर कस्बे के ब्रह्मानंद महाविद्यालय राज के अखंड मंदिर में संस्था स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति के द्वारा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। यह पुरस्कार बिहार की राजधानी पटना में वंचित तबके के गरीब छात्रों के लिए प्रसिद्ध सुपर 30 नामक कोचिंग चलाने वाले आनंद कुमार को दिया गया। शिक्षा और गौ सेवा के क्षेत्र में प्रति वर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार इस साल शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। इस वर्ष के पुरस्कार के लिए समिति ने बीते 17 सालों से भी अधिक समय से ग्रामीणों और बेसहारा निर्धन विद्यार्थियों का संरक्षण करने, गणित जैसे जटिल विषय की समझ पैदा कर उनमें विशिष्ट क्षमता उत्पन्न करने, सुपर 30 जैसी क्रांतिकारी शिक्षा योजना के जरिए देश में एक मुख्य सामाजिक परिवर्तन लाकर समाज के वंचित तबके के सैकड़ों बच्चों को IIT समेत भारत के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में चयनित करवाने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अप्रतिम अद्वितीय और अनुकरणीय कार्यों के लिए पटना निवासी आनंद कुमार का चुनाव किया गया। आनंद कुमार के जीवन पर आधारित ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म सुपर 30 भी बन चुकी है। इसके अलावा डिस्कवरी ने भी आनंद के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है। आपको बता दें कि देश में गौ सेवा को लेकर अपनी पहली आवाज बुलंद करने वाला बुंदेलखंड मालवी के नाम से ख्यातिल बंद स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार की शुरुआत स्वामी के 35वें पूर्ण वर्ष 2019 से की गई थी, जो प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्य तिथि के अवसर पर ही प्रदान किया जाता है। आनंद कुमार स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार पाने वाले तीसरे विजेता हैं। इससे पूर्व यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जर्मन महिला फ्रेडरिक इरीना बुर्निंग और भारत दक्षिण कोरिया के बीच शैक्षिक अंतर संबंध स्थापित करने वाले डॉक्टर अरुण प्रकाश को मिल चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड ने दीप प्रज्वलित कर किया। आनंद कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि अभाव के रहते वे विदेश में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा पाए, जिसकी उनकी विदेश अध्ययन करने के लिए भारत से टॉप 10 की लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे। बहुत लोगों से आर्थिक मदद मांगने के बावजूद भी निराशा हाथ लगी, तब पिताजी के फैसले से दृढ़ निश्चय किया कि बिहार में अब कोई बेवस निर्धन छात्र आर्थिक अभाव के रहते बीच में अपनी शिक्षा नहीं छोड़ेगा और उसका हर संभव संरक्षण भी किया जाएगा। इस दृढ़ निश्चय के चलते सबसे पहले उन छात्रों को खोजना शुरू किया जो आर्थिक अभाव में अंतिम हासिल में अपना जीवन जी रहे थे और अपनी पढ़ाई से वंचित हो गए थे। प्रारंभ में ऐसे छात्रों की शिक्षा व संरक्षण संबंधित जरूरतें के चलते अनेक बाधाओं को पार करते हुए आनंद कुमार ने सुपर 30 संस्थान की स्थापना की, जहां के छात्र छात्राएं आज देश विदेश में हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जयंती संत राम राजपूत, राठ विधायिका श्रीमती मनीषा अनुरागी, डॉक्टर इंद्रपाल राजपूत अध्यक्ष ब्रह्मानंद महाविद्यालय प्रबंधन समिति, श्रीमती चंद्रकांता लोधी, डॉक्टर धर्मपाल राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्य अजय राजपूत धागवा, श्रीमती चंद्रकांती वर्मा राजपूत, हरिचरण फौजी, संस्था लक्ष्य व स्वामी ब्रह्मानंद के पदाधिकारी व सदस्यों के अलावा हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बने रहे हमारे चैनल ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ। हमीरपुर से आशीष निगम की रिपोर्ट।